okay, electric potential is of the earth is taken zero, वो तो सबको पता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो वी होता है अर्थ का हम जीरो लेते हैं, क्यों लेते हैं, रीजन बोला नो इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट ऑन द अर्थ सरफेस, उन्होंने बोला है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करता अर्थ सरफेस पे, ऐसी बात नहीं है, जो अगर बात करें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ द अर्थ टेकन बी जीरो, क्योंकि कैपेसिटेंस ऑफ द अर्थ टेकन इन्फाइनाइट, जो सी होता है वो कितना होता है इन्फाइनाइट, क्यों सी इन्फाइनाइट क्यों होता है, क्योंकि जो अपने पास कैपेसिटर पढ़ा होगा तो वहाँ पे कुछ स्फेरिकल कैपेसिटर पड़ा होगा सबसे पहले, तो ये हम यूज में क्यों लेते, क्यों नहीं लेते, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी जो होती है इसके बाहर आर से इन्फाइनाइट की तरफ बिखरी होती है, और हमें एनर्जी जो होता है दो प्लेट के बीच में क्या मिलता है, यहाँ पे एप्सिलॉन अपॉन सॉरी सिग्मा अपॉन एक मिनट उल्टा लिख दे रहा हूँ, सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, और उसको सम करेंगे तो सिग्मा अपन एस की वैल्यू कितनी आती है सिग्मा, एक मिनट, सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट, इनको सॉल्व करने पर टोटल इसके बीच में ए ई आता है, और कैपेसिटेंस टोटल इसके बीच में बाहर जो होता है जीरो आ जाता है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो कैपेसिटेंस जो एनर्जी आपको चाहिए इसके कंसाइंड रीजन में ही मिल जाता है, इसलिए हम ए यूज करते हैं, बट अर्थ पे कैसा होता है जो एनर्जी होती है ऐसे अर्थ के सरफेस पे होती है सी ले कहाँ से आर से इन्फाइनाइट के बीच में होती है, यहाँ से इसके इन्फाइनाइट के बीच में, तो उन्होंने जो बोला है नो इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट इन द अर्थ सरफेस, ऐसी बात नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करती है, इसका मतलब रीजन गलत बोला है, क्यों देखा जाए तो इसमें ऑप्शन जो आपका सी करेक्ट है।